ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल तेलंगाना के सदर हकीम सूफी शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने आज मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरीट में मसारिद के इन्हदाम पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए वजीर दाखला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से इस्तीफे का मुतालबा किया। आज का दिन रियासत तेलंगाना के लिए एक सियाह दिन है और जनाब KCR साहब जो अक़लियत और मुस्लिम दोस्ती का जो दम भरते थे, आज उनके चेहरे से ये झूठ का नकाब उतर चुका है। सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद और 1 मंदिर को जो मिसमार किया गया है, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल 1 साल पहले इस बात का ऐलान किया था कि जिस वक्त एक खाना मस्जिद अंबरपेट शहीद की गई थी, उसी वक्त से ये खदशा लगा हुआ था कि TRS हुकूमत के निशाने पर कई मसाजिद है और आवाम को ये समझना चाहिए कि ये सेक्रेटरीट के मसाजिद पर के शहीद करने के बाद फिर आगे जो है ना ये खामोश बैठने वाले हैं, ये हमारी सोच और फिक्र गलत है। बल्कि ये KCR साहब ये मुकम्मल तौर पर RSS के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं और मैं ये बात कहूँ तो बेजाना होगा, जिसको ये नो अपना गुरु मानते हैं PV नरसिम्हा राव जो बाबरी मस्जिद के खातिल हैं, उन्होंने उनके 1 साल तखारीब मनाने का ऐलान जो किया है और आज जो मसाजिद को शहीद कर उन्होंने बखौल उनके गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, तो यहाँ ये बात साफ जाहिर होती है कि जो सोच PV नरसिम्हा राव की थी और जो सोच RSS की है वही सोच हमारे KCR साहब की है। लेकिन KCR साहब को ये भी जहन नशीन रखना चाहिए कि आज PV नरसिम्हा राव के ख़ानदान को कोई पूछने वाला नहीं है और ये बात जो है ना आप पर भी आने वाली है। अब मैं जनाब महमूद अली साहब और जनाब मोहम्मद सलीम साहब से कहता हूँ कि अगर आप लोगों में थोड़ी सी हमियत और गैरत और राई के दाने के बराबर अगर ईमान है तो आप जो है ना इस TRS सरकार के दामन को छोड़कर फौरी तौर पर आप लोग इस्तीफ़ा दे दें। ख़ास तौर पर मैं सलीम साहब से कहता हूँ ये मुकम्मल जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और आपके इल्म में लाए बगैर जो है ना ये मसाजिद शहीद नहीं की जा सकती और आपने मुसलमानों को धोखे में रखा है। ये शहर की 3री मस्जिद है जो पहली एक खाना मस्जिद को शहीद किया गया था, अब ये 2 मस्जिद है, ना मालूम आगे और कितने मसाजिद TRS सरकार का निशाना बनेंगे। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस TRS सरकार के दोगली पॉलिसियों में ना आए बल्कि इनके दिखावे के बयानात पर यकीन ना करें और बिलखसूस महमूद अली साहब और मोहम्मद सलीम साहब को अगर जो ना थोड़ी सी हमियत और ईमान राय के दाने के बराबर है तो आप दोनों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और जितने मुसलमान जो TRS में शामिल हैं उनको भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और यहाँ से एक मुनज़्ज़म पैमाने पर TRS सरकार के ख़िलाफ़ एक जो ना तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल इसके लिए एक मुस्बित राह अमल हम जो ना इसको तय कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जो ना इसके ताल्लुक से बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम भी मुनज़्ज़म करेंगे और TRS सरकार की घिनौनी हरकतों पर हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं और इंशाअल्लाह ताला TRS सरकार को यकीनन अल्लाह ताला इनको तो जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन KCR साहब जिस तरह से PV नरसिम्हा राव के ख़ानदान का कोई वजूद बाकी नहीं रहा, उनकी औलाद तो कोई पूछने वाले नहीं रहे, आपके साथ भी यही मामला होने वाला है और हमारे महमूद अली साहब और हमारे यूसुफ साहब हमारे सलीम साहब आप भी जहन नशीन रख लीजिए कि आपके साथ भी जो होने वाला है आप सोच नहीं सकते। अगर आप अभी भी वक्त है फौरी तौर पर आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दीजिए और महमूद अली साहब आप जो KCR साहब के हाथा चूमते हैं पेट में मुंडी डालते हैं आप अगर वाकई ईमान के दायरे में हैं तो आपको फौरी KCR से दूर हो जाना चाहिए। अल्लाह के घर की शहादत एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी जो है ना तकलीफ होती है, अगर अभी भी आपको तकलीफ नहीं आई तो फिर हम के आपके ईमान के आपका ईमान का अल्लाह ही हाफिज है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों का खातिमा खतः ईमान पर नहीं करेगा और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इसके लिए अब तहरीक के लिए मुस्तैद हो जाइए और KCR हुकूमत और TRS हुकूमत के खिलाफ हमको मुनज़्ज़म पैमाने पर हमको तहरीक चलाने की ज़रूरत है और ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल इसके लिए इंशाअल्लाह काम शुरू कर दी गई है।